गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत कुआखेड़ा गांव में बेहोशी की हालत में मिली युवती, डायल 100 की मदद से युवती को कराया गया सिविल अस्पताल हटा में भर्ती। युवती का आरिफ खान नामक बस मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप। युवती के पर्स से मिली कीटनाशक दवा की शीशी। पढ़ाई करने के लिए हिनौती गांव से बस से कुमारी आती जाती थी युवती। हटा पुलिस कर रही मामले की जाँच, जाँच के बाद हो सकता है खुलासा। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का इस संबंध में, आइए सुनते हैं। आज जो है आकर बीमार अवस्था बन गई थी ग्राम कुआखेड़ा में, और वहाँ की अस्पताल लाई गई है, इसका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे इसके कथन दिए गए हैं और आगे के इलाज के लिए इसको दमोह में कर दिया गया। इस लड़की अपने बाइक में बता रही है, कुछ आरोप लगा रही है कुछ लोगों पर, क्या कुछ लोगों पर भी आरोप लगा रही है, या कुछ लोगों को इसने बताया कि उनकी वजह से इसने आत्महत्या करने की नीयत से या किसी वजह जहर दिया है, तो इसको हमने दखल उसके लिए है और जांच के लिए। किस पर आरोप लगाया है लड़की ने, क्या नाम है उसका? अब ये हम जांच के बाद बता पाएंगे आपको। कीटनाशक जहर पी लिया है, उसका मैं डीडी लेने आया था और मैंने उसकी डीडी करके और टीआई को लिफाफा बंद करके सौंप दिया है। क्या बयान दिए है उसने, क्यों उसने कहा है कि एक आरिफ खान नाम का लड़का है जो उसे प्रताड़ित करता था, परेशान करता था और उसकी मम्मी पापा को मारने की धमकी देता था, इसलिए उसने जहर पी लिया। किस वजह से ये धमकी दे रहा था, क्या फ़ोन पे धमकी दे रहा था कि कहाँ धमकी दे रहा था? फ़ोन मांगा था उसने, उसने फ़ोन नहीं दिया इसलिए धमकी दे रहा था। कहाँ का निवासी है? पटेला का बता रहा। इसका महिला बच्ची का संपर्क कैसे हुआ उससे? कहाँ जा रहा है सर? लड़की वाले के नाम वाले जी, लड़की वाले के नाम वाले वाले।